बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जी मिक्स ब्लॉग में हम बना रहे हैं चिकन सैंडविच। इंशाल्लाह जी बहुत मज़े को यम्मी से सैंडविच बनाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। चलिए जी इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। चिकन सैंडविच के लिए जी मैंने तकरीबन ये दो आलू लिए, उनको बॉयल करने के लिए रख दिया है। और ये एक चम्मच मैंने ऑयल कर लिया और इसमें चिकन को शामिल कर दिया है। चिकन को मैंने अभी से सिर्फ इसको कुछ शामिल नहीं किया, सिर्फ इसको जस्ट ऑयल के अंदर ही फ्राई कर रही हूँ। इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और साथ इंग्रेडिएंट्स भी शामिल करेंगे। धनिया पाउडर 1 चम्मच, दड़ा मिर्च 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच और हाफ चम्मच मैंने इसमें नमक और हाफ चम्मच मैंने इसमें हल्दी शामिल कर दिए। और इसको मैं थोड़ी देर के लिए अच्छे से भून लूँगी ताकि हमारे सारे मसाले इसमें अच्छे से शामिल हो जाएंगे। इंशाल्लाह जी बहुत मज़े को यम्मी से ऐसे से बनाएंगे इंशाल्लाह। तो थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर देते हैं ताकि हमारे चिकन कर जाए। ये देखें जी मेरा पानी खुशक हो गया है। अब हम इसमें विनेगर शामिल कर देते हैं। मैंने इसमें तकरीबन 2 चम्मच विनेगर शामिल की थी। विनेगर की जगह आप लेमन भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने 2-3 मिनट के लिए और भून लिया था ताकि ये अच्छे से मसाले इसमें चले जाएं। ये देखें जी मेरा चिकन हो गया। मैंने चिकन को एक अलग प्लेट में निकाल लिया और इसको थोड़ा सा हम ठंडा करके तो इसके हड्डियाँ अलग कर लेंगे और इसको अच्छे से इसके चिकन के छोटे छोटे रेशे से बना लेंगे। ये देखें जी माशाल्लाह इस तरह से मैंने जो 2 आलू बॉयल किए थे, मेरा ये चिकन जिनको मैंने रेशे की तरह बिल्कुल बारीक बारीक सा कर लिया, उन आलू में इनको शामिल कर लेते हैं। अब जी हम इसमें हाफ प्याज शामिल कर दिया मैंने इसमें और साथ धनिया, सब्ज़ धनिया शामिल कर दिया है। हाफ चम्मच मैंने इसमें चाट मसाला, हाफ चम्मच नमक और हाफ चम्मच दड़ा मिर्च की शामिल करके अच्छा सा स्पाइसी से इंशाल्लाह जी चिकन सैंडविच रेडी करेंगे। चलिए जी ये रेडी हो गया। अब हम चटनी की तरफ आते हैं। ये मैंने जी पुदीना ले लिया है और तकरीबन थोड़ा सा मैंने धनिया इसमें शामिल कर लिया है। साथ मैंने हाफ प्याज ले लिया है, 2 सब्ज़ मिर्चें ले लिए हैं, 2 लहसुन के जब्बे और हाफ टमाटर ले लिया है। तो थोड़ा सा पानी डाल दिया, हाफ चम्मच में इसमें नमक का शामिल कर दूंगी चटनी में। ये देखें जी माशाल्लाह से मेरी बहुत ज़बरदस्त यम्मी सी चटनी सैंडविच के साथ रेडी हो गए। इसको हम करते हैं साइड पर। सैंडविच के लिए जी मैंने ये ब्रेड्स ले लिए और अपना मटेरियल पास रख लिया है। तो चलिए जी सैंडविच की तैयारी करते हैं। सबसे पहले जी मैंने एक ब्रेड ली और उस पर केचप लगा दिया और जो मैंने अपना मटेरियल रेडी किया हुआ था चिकन का वो मैं इसके ऊपर रख लूँगी, अच्छे से फैला लूँगी जी। और इसका दूसरा हिस्सा उस पर भी मैं केचप लगाऊँगी और इसके ऊपर इस तरह से इसको बंद कर देंगे। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा जी मैंने ऑयल लगाया है, इससे बहुत ज़बरदस्त और क्रिस्पी और मज़े के सैंडविच रेडी होते हैं। इसी तरह जी मैं अपने सारे सैंडविच को भी रेडी कर लेती हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह से बहुत मज़े के, बहुत यम्मी से मैंने जो सैंडविच रेडी किए हैं उनको मैं सैंडविच मेकर में रख के अच्छे से रेडी कर लूँगी। 3 से 4 मिनट लगते हैं जी इसको सैंडविच को रेडी होने में, बहुत ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है। ये देखें माशाल्लाह से मैंने इसके ऊपर चूँकि ऑयल लगाया था इसलिए ये बहुत मज़े के क्रिस्पी से बने थे। इस तरह मैंने अपने सारे सैंडविच रेडी कर लिए। ये देखें जी माशाल्लाह से मेरे सारे सैंडविच बहुत मज़े के यम्मी से। इंशाल्लाह जी आप लोगों को मेरे ये सैंडविच ज़रूर पसंद आएंगे। अगर आप लोगों को मेरे चिकन सैंडविच पसंद आए इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए रेसिपी किसी नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।